गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। एंड देखिए नेगी जी भी सो रहे हैं, इनको जब तक कॉफ़ी नहीं मिलेगी, बेड कॉफ़ी, ये तब तक नहीं उठेंगे। तो मैंने कॉफ़ी चढ़ाई हुई है, मतलब पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। एंड आप लोग एक चीज़ बताइए मुझे कि ऐसा किस किस के यहाँ किस होता किस है के घर में होता है कि सुबह सुबह न्यूज़ चला दी जाती है, कि आप चाहे कोई भी काम करेंगे आपके कानों में न्यूज़ की आवाज आती रहेगी और आपको 100 बड़ी बड़ी खबरें मिलती रहेंगी। मेरे यहाँ होता है बहुत बार ऐसा। एंड मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा के रखा है कॉफी के लिए, थोड़ी सी सिम पे ही कर रखा है, थोड़ा सा अच्छा सा खोल जाता है ये। तो बस जल्दी से कॉफी बना लेते हैं। कॉफी पीने के बाद नहा धो के पूजा वूजा करके ही आप लोगों से मिलूंगी, फिर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, खाना नाश्ता वगैरह दे दिया था संदीप को। उसके बाद मैंने सोचा नहाने से पहले जल्दी से ये बिस्तर वगैरह कर देती हूँ क्लियर, क्योंकि आज मुझे ना बेडशीट धोनी थी, तो बेडशीट उतार रही थी मैं। फिर संदीप ने ना कपड़े वपड़े सारे धोने के लिए डाल दिए थे। तो होता क्या है ना, हम दोनों मिलजुल के कर लेते हैं। संदीप काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी इन चीज़ों में। एंड मैं उसके बाद नहा कर आ गई थी, तो फिर मैंने टॉवल वगैरह बाहर सुखाया। एंड उसके बाद ना बस थोड़ा बहुत जो मैं बेसिक करती हूँ, थोड़ी क्रीम वगैरह लगाना, सब यही करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती, क्योंकि डेली रूटीन में इतना कुछ नहीं हो पाता है घर में। एंड अगर आप ये वाली जो लिपस्टिक देख रहे हैं ना, तो आपको बचपन की याद आ रही है, जो वो क्रियान सी कलर्स होते थे एक के बाद एक। सो गाइस, ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है रहने ब्यूटी की, इसमें 5 शेड्स हैं। आगे मैं इसके बारे में और अच्छे से बताऊँगी। एंड उसके बाद काम वाम मेरा हो गया था थोड़ा बहुत किचन का, तो मैंने सोचा कपड़े जल्दी से डाल देती हूँ, कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि ना टाइम लगता है फिर इन्हें भी सूखने में। बट ये है कि आजकल मौसम अच्छा है तो हवा के साथ सूख जाते हैं। देन उसके बाद संदीप और मैं दोनों बेडशीट वगैरह बिछा रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा ठंड कम हो गई है तो एक कंबल क्यों ना बंद कर दिया जाए, तो हमने उसे बैग के अंदर रख दिया है पैक करके। तो अब क्या करेंगे ना, बेडशीट वगैरह चेंज करिए क्योंकि धो दी है, तो मैं झाड़ लेती हूँ अच्छे से बेड को। उसके बाद हमने ये फ्लावर वाली बेडशीट बिछाई है आज, तो थोड़ा ये होता है मिलजुल के कर लेते हैं। अकेले करने में ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है बहुत बार। बस सब बेडशीट वगैरह बिछ गई है, संदीप आराम से लेट रहे हैं। एंड अगर आप देख रहे हैं ये पैकेट्स, तो ये मेरी सब्जियों के पैकेट हैं जो मुझे बनानी है सब्जियाँ। फ्रेंड्स, मैंने ना कुछ लहसुन छिली हुई है, बहुत छील दी थी, मतलब ये लहसुन हो गई, हरी मिर्ची हो गई, अदरक भी छिलूंगी मैं थोड़ी सी, और इसी में धनिया डाल के इसका पेस्ट बना के मैं रख दूंगी एक बॉक्स में, और उसको यूज़ करूंगी कुछ दिनों तक अपनी कुकिंग में। ये मतलब जल्दी यूज़ हो जाता है वैसे। तो बस मैं अब हरी मिर्ची वगैरह धो रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ अपने लिए पेस्ट। पेस्ट बना रही हूँ मैं हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सारी लहसुन वगैरह छील ली थी, तो मैं उसका पेस्ट बस आज रेडी कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है कुकिंग के लिए, इजी हो जाता है। सो संदीप भी साथ में आ गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ बात कर रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं कि ये है या वो है, बस मैं वही बता रही हूँ कि वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। उसके बाद मिक्सी में पेस्ट को बना लूँगी और उसको प्रिजर्व करके रख दूँगी अच्छे से। सो फ्रेंड्स, मेरा पेस्ट रेडी है, मैं इस जार में इसको निकाल के रख दूँगी। एंड इसको यूज़ कर सकती हूँ मैं काफ़ी दिनों तक, इनफैक्ट एक महीने तक। मैंने इसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला है, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, मैंने ज़रा सा ऑलिव ऑयल डाला है। बस पेस्ट रेडी है, इसे आप डीप फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रीजर में क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं, और किसी भी शीशे के कांच की बॉटल में रखिएगा तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी, वरना ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बहुत ईजी था इसे बनाना। एंड मैंने इसे कांच की बॉटल में स्टोर करके रखा है, तो ग्लास बॉटल इन चीज़ों के लिए अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग, इनको बिल्कुल फ्रेश रखती है। प्लास्टिक की बॉटल में इसे अवॉइड करना रखना, हो सके तो इसे ग्लास बॉटल में ही रखना, एंड ये चल जाएगा अच्छा खासा। आप इसे वैसे 1-2 महीने भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये जल्दी यूज़ हो जाता है, तो फ्रेश बनाओ, फ्रेश यूज़ कर लो, वरना इसके क्यूब्स बना के आप फ्रीजर में रख दीजिए तो वो भी बहुत काम की रहती है। मेरी टमाटो क्यूब्स इतनी अच्छी चल रही हैं, एंड ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो घर में ऐसी चीज़ें बनी रहती है ना, तो आपकी कुकिंग बहुत ईजी हो जाती है, तो इनको प्रिपेयर करके आप रख सकते हैं फ्रीजर में या फ्रिज में। फ्रिज में ज़्यादा मतलब सही रहेगा ऑप्शन, फ्रीजर में तब रखें जब आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म तक इसको बनाना है या आपने बहुत सारा बना दिया है। अब ये इतना सा पेस्ट है और मैंने जैम की बॉटल इसमें यूज़ करी है, सो अब देखेंगे यम्मी यम्मी बनेगा खाना, और मेरे लिए ईजी रहता है, मतलब लहसुन अलग से कूटो और अदरक छिलो, मिर्ची छिलो, सो मैंने तीनों का पेस्ट एक साथ कर दिया है।
अब मैंने जो ये मेरी थोड़ी बहुत ना धनिया पत्ती वगैरह पड़ी थी, तो मैं क्या करती हूँ इनको थोड़ा बहुत साफ़ करके जब मंगवाती हूँ ना, तो इसको न्यूज़पेपर में पैक करके अच्छे से तब फ्रीज़र में रखती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं। एंड मेथी भी मैंने ऐसे ही करके रख दी है न्यूज़पेपर में बंद करके, वो थोड़ी फ्रेश रहती है, पानी वगैरह नहीं आता है उसमें, तो सही रहता है। फिर थोड़ी बहुत पालक है उसको धो लूँगी, और मुझे पालक का काप बनाना है आज, तो मैं पालक वगैरह धो रही हूँ अच्छे से एंड उबाल लूँगी उसे उसी टाइम पे, क्योंकि थोड़ी सी पालक है, ज़्यादा नहीं है। बस देखिए ये बॉईल होने लग गई है, अब मैं इसके जल्दी से काप बनाऊँगी। एंड काप की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी है, तो सरसों के तेल में जख्या डाला है और जख्या में मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर में ही मैंने जो वो पेस्ट बनाया है ना, उसको मैं इस बार इसमें ऐड करूँगी। वैसे मैं मिर्ची वगैरह अलग से कूटती थी, बट अभी पेस्ट बना हुआ है तो बहुत इजी हो गया है। और पालक को मैं साथ में ग्राइंड कर लूँगी और इसमें मिर्च मसाले डाल दूँगी, हल्दी नमक धनिया और लाल मिर्च वगैरह, बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक मसाले जो हैं। एंड मैंने जो पालक को बॉईल कर लिया था और उबाल लिया, ये कर लिया था, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, वो डालना है। और थोड़ा सा बेसन का घोल डालना है, क्योंकि ये काप ना बेसन के घोल के साथ ही बनता है। एंड मेरा काप रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर राइस रखे हैं मैंने, और इसका पानी मैं पहले हटा दूंगी, उसके बाद इस पर सीटी दूंगी, मतलब मांड पसार के मांड हटा देती हूँ मैं। एंड ये मेरा काप रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, बस 4-5 मिनट और इसे पकाऊंगी फिर बंद कर दूंगी। जी मैं तो बहुत थक गई आज, आज मैं बहुत थक गई, मैंने मतलब इतनी देर से मैं लगी पड़ी हूँ हरी सब्जियां साफ करने में, वो पेस्ट जो मैंने बनाया एंड आपके साथ भी शेयर किया है, खाना बना दिया, काप बनाया मैंने आज, पालक की दबड़ी भी बोलते हैं उसे गढ़वाल में, आपको पसंद है ना। एंड अब खाना वाना खाएंगे, बट खाना के लिए, खाने के लिए पहले हम वेट कर रहे हैं किसी का, हम आपको नहीं बताएंगे। सो खाने के लिए जो आ रहे हैं हम उनको आपको कल दिखाएंगे, आज नहीं दिखाएंगे। एंड ये आपके लिए सस्पेंस है, इससे पहले नेकी जी कुछ बोल दें तो मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आज बहुत काम हो गया, आप लोगों ने भी देख लिया, दिखा रही हूँ मैं, आप लोग भी कीजिए सारे काम। तो व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। जो भी मेरे चैनल में न्यू सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ 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 फुल वॉच कीजिए वीडियो को, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ना फिर वो ऐसे देख बिना देखे आप कर देते हैं और वो हट जाता है बाद में, है ना, तो मुझे उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो फ़ायदा नुकसान की तो बात नहीं होती है, बट अगर आप किसी के लिए कुछ उसको सपोर्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो देख के करो। एंड जो भी आपको वीडियोस पसंद आती है उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खूब सारा प्यार दीजिए स्नेहा रावत ने की व्लॉग्स को। बाय।